अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इकरा। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली यू ऑल आर फाइन। आई एम योर टीचर ऑफ सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। हियर इज़ बुक नो योर वर्ल्ड, दुनिया के बारे में आप क्या जानते हैं, बुक 5 बाय फरहत मंसूर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड यूनिट 1। द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट, हमारी ज़मीन और उसका माहौल। लुकिंग एट रीजन्स, रीजन्स आर एरियाज दैट हैव कॉमन फीचर्स। रीजन्स उन खुत्तों को कहते हैं, उन इलाकों को कहते हैं जो सेम फीचर्स रखते हों, एक जैसे खदोखाल रखते हों। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू रीजन्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्हें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की बिना पर डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात, अ क्लाइमेटिक रीजन इज़ एन एरिया दैट हैज़ कॉमन क्लाइमेट, फॉर एग्ज़ाम्पल अ हॉट क्लाइमेटिक रीजन और कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन। और क्लाइमेटिक रीजन उसकी, उस रीजन की आबो हवा कैसी है, कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। अ रीजन कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन फिज़िकल फीचर्स, रीजन्स को उसकी फिज़िकल ज़ाहरी खदोखाल पर बेस्ड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एरियाज़ विद माउंटेन्स आर क्लासिफाइड एज माउंटेनस रीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन्स को माउंटेनस रीजन में क्लासिफाई किया गया है। डिवाइडिंग लार्ज एरियाज ऑफ लैंड इनटू रीजन्स हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड देम एंड देयर सोशल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन रीजन्स को डिवाइड करने का मकसद ये है कि हमें जानने में आसानी हो जाए कि किस जगह की क्या खसूसियात है, इस रीजन की आबो हवा कैसी है, रीजन एरिया कैसा है, मैदानी है, सहराई है। ये जानने के लिए हमें आसानी होती है रीजन्स को डिवाइड करने के बाद। पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग रीजन्स बेस्ड ऑन फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक। पाकिस्तान को, पाकिस्तान में भी जितने भी रीजन्स हैं हमने उसे फिज़िकली कैरेक्टरिस्टिक के बिना पर डिवाइड किया है। नंबर 1 माउंटेन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इन द नॉर्दर्न एरियाज़। माउंटेन पहाड़ी इलाके को किस रीजन में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न एरियाज़ शुमाली इलाके जात। प्लेट्यू सतह मुर्तफा, द पोटोहार प्लेट्यू, डेजर्ट रेगिस्तान इन सिंध एंड बलूचिस्तान। कहाँ पर मौजूद है, सिंध और बलूचिस्तान में। प्लेन्स द इंडस प्लेन मैदानी इलाके, डेल्टा इन सिंध कोस्टल एरिया साहिली इलाके। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए माउंटेन्स ऑरेंज कलर है, ठीक है। ये आप मैप में, पाकिस्तान का मैप है ये, ठीक है। इसमें देखेंगे माउंटेन्स, माउंटेन, माउंटेन, ये सारे यहाँ पर माउंटेन रीजन्स हैं। प्लेट्यूस ब्लू, प्लेट्यूस, प्लेट्यूस, डेजर्ट येलो, डेजर्ट, डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट हैं। प्लेन्स लेमन, प्लेन्स, ओके। डेल्टा, 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 ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर सम फिज़िकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड सिमिलर टू दोज फाउंड इन पाकिस्तान एंड लुक एट द लाइफ ऑफ पीपल डिपेंड्स। अब हम फिज़िकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो मैच करते हैं वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ से, और वहाँ की लाइफ कैसी है, लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माउंटेन्स, माउंटेन रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड नेपाल आर सिमिलर। पाकिस्तान का जो माउंटेनस रीजन है वो नेपाल से मैच करता है। इन पाकिस्तान दीज रीजन्स अबाउंड इन वास्ट ग्लेशियर्स, फास्ट फॉलोइंग रिवर्स,
लार्ज लेक्स एंड ग्रीन वैलीज। पाकिस्तान के माउंटेनस रीजन में लार्ज लेक्स, बड़े झील, तेज़ी से बहते दरिया, बर्फ़ानी तोते और ग्रीन वैलीज, हरी भरी वैलीज, ग्रीनरी मौजूद है। सम ऑफ़ द हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड हेयर। अच्छा, कुछ हाइस्ट पीक्स, कुछ हाइस्ट बहुत ऊँचे पहाड़ भी मौजूद हैं यहाँ पर। द हाइस्ट बींग K2, सबसे ऊँचा पहाड़ कौन सा है? K2 एट 28 to 250 फिट, 8 to 610 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इट इज़ सेकेंड ओनली टू माउंट एवरेस्ट, लोकेटेड इन माउंटेनस रीजन ऑफ नेपाल। अच्छा, सेकेंड कौन सा है? हाँ, नेपाल में मौजूद है माउंट एवरेस्ट। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नंबर वन क्या था जो पाकिस्तान में मौजूद है? K2। नंबर टू क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर मौजूद है? नेपाल में। इट्स हाईएस्ट बीइंग 29 to 128 फिट एंड 8 to 878 मीटर लॉन्ग। द टोपोग्राफी ऑफ नेपाल इज सिमिलर टू द नॉर्दर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान। नेपाल का जो नक्शा है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से मैच करता है, सिमिलर है। इन द माउंटेनस रीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो माउंटेनस रीजन है, पीपल मेक अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। पीपल जो वहाँ पर रहते हैं अपना ज़रिया माश बनाते हैं वो किसके थ्रू? एग्रीकल्चर, काश्तकारी के थ्रू एंड टूरिज़म, और सयाह भी आते हैं यहाँ पर। द सीनिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्राम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, यहाँ की जो फिज़िकली खूबसूरती है, उससे अट्रैक्ट होकर, मुतासर होकर दुनिया के हर कोने से टूरिस्ट आते हैं सैरो तफरी के लिए, सिमिलरली। अच्छा, इसी तरह इन नेपाल्स माउंटेन्स रीजन, नेपाल के जो माउंटेन रीजन है, द पीपल्स लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन एरेबल एग्रीकल्चर एंड कैटल ब्रीडिंग। नेपाल के जो लोग हैं वो अपना ज़रिया माश किस पर डिपेंड करते हैं? उनका ज़रिया माश एरेबल एग्रीकल्चर, काश्तकारी एंड कैटल ब्रीडिंग, मवेशियों की परवरिश। दे ऑल्सो इंगेज इन द सेल ऑफ हर्बल मेडिसन्स। अच्छा, ये अच्छा दूसरी तरह, एक तो ये काश्तकारी के थ्रू अपनी कमाई का ज़रिया बनाते हैं, और सेकंड क्या? हर्बल जड़ी बूटियों, जो कहाँ से वो कलेक्ट करते हैं, दरख्तों से कलेक्ट करते हैं जड़ी बूटियाँ और उन्हें सेल आउट करते हैं। टूरिज़म इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल। टूरिज़म एक अच्छा कमाई का एक अच्छा ज़रिया है वहाँ के लोगों के लिए। प्लेट्यूज़, द प्लेट्यूज़ रीजन ऑफ पाकिस्तान आर क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ़ ईरान। पाकिस्तान के जो प्लेट्यूज रीजन है वो सिमिलर है ईरान से। दे बोथ हैव ड्राई हिल्स, इन दोनों के हिल्स बहुत ड्राई हैं। विच कंटेन डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, इन दोनों कंट्रीज़ के जो हिल्स हैं, पहाड़ हैं, इनमें क्या मौजूद है, क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स, मादनियात और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, लाइम स्टोन एंड जिप्सम। ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोयला है, चूने का पत्थर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे इनमें मौजूद हैं। डिपॉजिट ऑफ ऑयल फाउंड इन ईरान, ईरान के जो ऑयल डिपॉजिट्स हैं वो मच ग्रेटर देन दोज फाउंड इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है ईरान के पास। इन पाकिस्तान द पोटोहार प्लेट्यू, पाकिस्तान के पोटोहार प्लेट्यू में सॉल्ट रेंजेस आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ माउंटेनस रीजन। नमक की कान मौजूद है पाकिस्तान के पोटोहार प्लेट्यू में, जो कहाँ पर मौजूद है? माउंटेनस रीजन साउथ डायरेक्शन में। द अटोक ऑयल रिफाइनरी विच इज़ लोकेटेड नियर रावलपिंडी, और अटोक ऑयल रिफाइनरी है जो किसके करीब है? रावलपिंडी के करीब है। ऑन द पोटोहार प्लेट्यू इज़ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, और पोटोहार प्लेट्यू और ये सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। इन द सॉल्ट माइंस ऑफ केवड़ा, केवड़ा में क्या क्या मौजूद है? रॉक सॉल्ट, जिप्सम एंड लाइमस्टोन आर क्यूरी
केवड़ा में मादी नमक भी पाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूने का पत्थर, ये सारे नमक की कान कहाँ पर पाई जाती है? अर्क ऑयल रिफाइनरी, सॉरी केवड़ा में, ठीक है। द अर्क ऑयल रिफाइनरी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन ईरान, ईरान में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? अर्क में है। इट इज़ लोकेटेड इन अर्क, जो कहाँ पर मौजूद है? अर्क में, विच इज़ वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ ईरान, और ये मेन और बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है कहाँ की? ईरान की। पीपल लिविंग इन द प्लेटू रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान इंगेज इन एग्रीकल्चर, वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान और ईरान के, वो किस में इन्वॉल्व रहते हैं? एग्रीकल्चर में, काश्तकारी में, ठीक है। मैनी पीपल वर्क इन द क्यूरीज एंड द ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज एज वेल एज रिफाइनरीज, ज़्यादातर लोग किस पर काम करते हैं? नमक की कान पर, ऑयल ड्रिलिंग में, ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज में और ऑयल रिफाइनरी कंट्रीज में। प्लेन्स, मैदानी इलाके। द इंडस प्लेन रीजन इज़ क्वाइट सिमिलर टू द गैंगेटिक प्लेन रीजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान के जो इंडस प्लेन रीजन है वो किससे सिमिलर है? इंडिया के दरियाए गंगा से मैच करता है। बोथ प्लेन्स आर फर्टाइल, दोनों जगह की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है एंड डेंसली पॉपुलेटेड, और वहाँ लोगों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल लिविंग ऑन द प्लेन्स आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, और मेजोरिटी है लाइक 100 out of 90% लोग वहाँ पर किस पर इन्वॉल्व हैं? एग्रीकल्चर पर, ज़रात पर, काश्तकारी पर, बिकॉज द सॉइल इज़ फर्टाइल एंड वाटर इज़ प्लेंटीफुल, क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है और पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है। बोथ रीजन्स ग्रो टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अच्छा दोनों रीजन्स में टू टाइप्स की फसलें पाई जाती हैं, द खरीफ एंड द रबी, कौन कौन से? खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। द खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन समर, खरीफ क्रॉप जो है, खरीफ की जो फसलें हैं वो कब ग्रो करती हैं? समर में, गर्मियों में। इंक्लूड कॉटन, और उनमें क्या क्या होते हैं? कॉटन, राइस, मेज़, माइलेट एंड शुगर केन। चावल भी पाए जाते हैं, रुई, मकई, बाजरा, गन्ने। द रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर, रबी क्रॉप्स सर्दियों में ग्रो करते हैं, और इनमें क्या क्या होते हैं? वीट, पल्सेस, ग्रैम एंड मस्टर्ड, गन्ना, दालें, सॉरी गंदम, दालें, चने और सरसों वगैरह। अच्छा अब हम आ जाते हैं डेजर्ट पर, रेगिस्तानी इलाके। द थर्ड डेजर्ट रीजन ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंड टू इंडिया, पाकिस्तान का जो थर्ड डेजर्ट रीजन है वो किससे मैच करता है? सिमिलर करता है इंडिया से, इंडिया के थर्ड डेजर्ट रीजन से। द सहारा एंड थर्ड डेजर्ट लाई मोर और लेस इन द सेम लैटिट्यूड बिटवीन 23 degree टू 25 degree नॉर्थ, सहारा डेजर्ट और थर्ड डेजर्ट की जो लंबाई चौड़ाई है वो तकरीबन एक जैसे हैं, लाइक 23 to 25 degree। The inhabitants of these regions depend on what little agriculture is possible in the oases and grazing for animals. वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो बहुत कम, लेस क्वांटिटी में एग्रीकल्चर कर पाते हैं, इनके लिए पॉसिबिलिटी की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीन कैसी है? खुश्क ज़मीन है, थर डेजर्ट है, रेगिस्तानी इलाका है, पानी की कमी की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, तो लोग क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर एंगेज इन रेजिंग लाइफ स्टॉक, जो ज़्यादातर लोग हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं? वो मवेशी पालते हैं, लाइक कैमल्स, डंकीज एंड गोट्स। लाइफ इन द डेजर्ट इज़ हार्श एंड डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड लैक ऑफ वाटर, वहाँ की जो ज़िंदगी है रेगिस्तान की, सहरा की, वो बहुत ज़्यादा हार्श और डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, बिकॉज़ वहाँ के जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और पानी की कमी की वजह से वहाँ पर रहना लोगों का बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। अच्छा अब हम आ जाते हैं डेल्टा पर। द इंडस डेल्टा इन पाकिस्तान इज़ सिमिलर टू द नाइल डेल्टा इन इजिप्ट, पाकिस्तान का जो इंडस डेल्टा है वो किससे सिमिलर करता है? मिस्र के नील डेल्टा से। इन दैट दे बोथ फॉर्म ऑफ द शेप ऑफ अ बर्ड्स फूट, अच्छा इन दोनों का जो शेप है वो बर्ड्स के फूट की तरह लगता है दिखने में। वैन दे फ्लो इन टू द अरेबियन एंड मेडिटेरियन सीज रिस्पेक्टिवली, और ये कहाँ पर जाकर बहता है? अरेबियन सी और मेडिटेरियन सीज। अच्छा
सैटेलाइट इमेज ऑफ नाइल डेल्टा इजिप्ट, सैटेलाइट इमेज है ये इजिप्ट की, और ये सैटेलाइट इमेज है मिसिसिपी रिवर ऑफ यूएसए। अच्छा, द मिसिसिपी एंड द इंडस डेल्टास आर गुड ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर प्राउंस। मिसिसिपी और इंडस डेल्टा एक अच्छी जगह है परवरिश के लिए किसके, प्राउंस, श्रिम्स एंड फिश, झींगे और झींगो, मतलब झींगे और फिशेस के लिए एक अच्छी ब्रीडिंग की जगह है। और लोग क्या करते हैं, एंड फिश, सो पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स कैन अर्न अ लिविंग थ्रू फिशिंग। और वो जो अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, फिशेस के थ्रू, उनको सेल आउट करते हैं और उसके ज़रिए वो कमाते हैं। द इंडस डेल्टा इज़ रिच इन मंग्रोव्स फॉरेस्ट। जो इंडस डेल्टा है, दरिया के किनारे बहुत मतलब घने दरख्त पाए जाते हैं और इस पर, और इसके थ्रू, फिशिंग के थ्रू वो वहाँ पर अर्निंग का ज़रिया बनाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द डेल्टा ऑफ अ रिवर इज़ सो नेम्ड। डेल्टा रिवर को जो नाम है बिकॉज लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड डी, वो किससे मैच करता है, इन्वर्टेड डी की तरह मैच करता है। डेल्टा इज़ द ग्रीक नेम फॉर द लेटर डी और इसका यूनानी नाम है डी। अ डेल्टा फॉर्म्स व्हेन अ रिवर और स्ट्रीम डिपॉजिट सिल्ट सैंड ऑन रॉक फ्रैगमेंट्स ऑन एंट्रिंग एन ओशन सी और लेक। अच्छा, डेल्टा जब फॉर्म होता है, जब रिवर, दरिया वगैरह अपने अंदर मिट्टी, रेत वगैरह लेकर आते हैं समंदर से, झील से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो गया है। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।